शिवसेना हरियाणा की 7 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। यह ऐलान पार्टी के दक्षिण हरियाणा अध्यक्ष विक्रम सिंह यादव ने गुरुग्राम के सेक्टर 15 स्थित कम्युनिटी सेंटर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किया। सर, शिवसेना ने चुनावी दस्तक दे दी है, हरियाणा में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले और किन किन मुद्दों को लेकर आने वाले? देखो, हरियाणा में 10 सीटों में से लगभग 7 सीटों पर शिवसेना ये जो 2019 का लोकसभा का चुनाव है इन पे लड़ने वाली है और हमारा मुख्य मुद्दा होगा हिंदुत्व और विकास। इन दो मुद्दों को लेकर हम चलेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं हिंदुत्व की बातें होती है पर वास्तविक में उस पर काम नहीं हो पाता है। तो हम सोच रहे हैं कि हरियाणा से भी हमारे जनप्रतिनिधि जाएँ और हिंदुत्व की बात को मजबूती से रखें, विशेष तौर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, और जो विकास जितना होना चाहिए था दिल्ली के लगते हरियाणा जैसे प्रदेश में वो हो नहीं पा रहा है और हम उसको भी एक नई गति और एक नई दिशा देंगे। सर, राव इंद्रजीत, कैप्टन अजय, प्रवीण यादव, बहुत से उम्मीदवार चुनावी मैदान में, आप किसको अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मान के चल रहे हैं? देखिए, प्रतिद्वंदी कोई नहीं होता, हर व्यक्ति का अपना संगठन और अपनी कार्यशैली होती है और हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है, विशेष तौर पर युवा शक्ति हमारे साथ है और हमें पूरा भरोसा है कि हम इनमें जो आगामी लोकसभा चुनाव है इसमें सफल होंगे। सर, शिवसेना ने आज अपना उम्मीदवार यहाँ से घोषित किया है गुरुग्राम लोकसभा से, आप उनका कैसे समर्थन करेंगे, कैसे उनके लिए सपोर्ट करेंगे, क्या काम उनके लिए करने वाले हैं? देखिए भाई साहब, मैं गुरुग्राम लोकसभा के लिए, जो गुरुग्राम लोकसभा के साथ कुछ ऐसे काम हैं जो बहुत ही पीछे रह गए, क्योंकि गुरुग्राम लोकसभा के अंदर सबसे पहले तो मैं कहता हूँ ये अहिरवाल का क्षेत्र है और अहिरवाल का क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ कई दशकों से चले आ रहे हैं, एक रामपुरा घराने का जो व्यक्ति है वही चला आ रहा है और लोग पागल हो रहे हैं, अंधभक्ति में फंसे हुए हैं और अंधभक्ति के कारण वो जो है बिल्कुल बाहर निकल करके देखना नहीं चाहते कि समाज के अंदर क्या हो रहा है, राष्ट्र के लिए हमने क्या करना है। जो एक अहिरवाल के लिए, एक अहिर रेजिमेंट के लिए कुछ शब्द नहीं बोल सका पार्लियामेंट में, जो कोई एक शब्द नहीं उठा सकता, तो मुझे उन अहिर भाई सैनिक भाइयों के लिए बड़ा दुख है क्योंकि ऐसे सैनिकों के लिए एक सैनिकों की खान है और उसके अंदर रामपुरा हाउस आराम से चैन की नींद सोता है और उसको थोड़ी भी तकलीफ नहीं होती। तो मैं ये कहता हूँ गुरुग्राम लोकसभा से अभी भाई विजय यादव को जो जिम्मेवारी दी गई है, मैं ये कहता हूँ ये बिल्कुल जरूर कामयाब होंगे और इनके तो बहुत बड़े मकसद हैं। इन्होंने कोई जाति पाति या किसी धर्म के बारे में इनका कोई ऐसा गलत विचार नहीं है जिससे कि ये कोई आहत हो सके और हमारे गुरुग्राम लोकसभा की जनता को ये जरूर तसल्ली दिलाएंगे हर साइड से। थैंक यू सर जी। सर, शिवसेना चुनावी मैदान में उतरी है गुरुग्राम से, आज इसका शुभारंभ किया गया, क्या कहना चाहेंगे, किन किन मुद्दों के लेके आ पा रहे हैं और जनता कैसे आपको शिवसेना को ही क्यों वोट दे? देखो, शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो अभी तक हम बीजेपी के साथ थे, अब हमारे जो ऊपर का नेतृत्व है माननीय उद्धव साहब जी ने कहा है कि भाई तुम लड़ो, आज तक धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए जो भी पार्टी यहाँ कार्यकार कर रही है गुड़गांव में वो शिवसेना है। आप देखते भी हो कहीं भी कोई हिंदुत्व का मुद्दा है तो शिवसैनिक पहले वहाँ पे खड़े हैं और मुद्दा तो हमारा हिंदुत्व का ही है, बाकी हम जात पात से ऊपर होकर इलेक्शन लड़ेंगे, मतलब हम कोई वो जात पात का जहर नहीं खोलेंगे। मतलब इससे क्या हो रहा है कि देश भी कमज़ोर हो रहा है, आप देख रहे हो ना कि देश गर्द में चला जाएगा, अगर जात पात की बात होती रही तो देश आगे कैसे बढ़ पाएगा। हम सब भाई हिंदू एक हैं, हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र हम बना के रहेंगे। अभी जो शिवसेना है वो पूरे दमखम से लड़ेगी, 7 सीटों पे हमारे ऊपर के नेतृत्व ने फैसला किया है कि हम चुनाव में जा रहे हैं और अभी आप देख रहे हो JJP है, आप है, सब नई मतलब चुनावी पार्टियां आई हैं, इनसे तो बहुत अच्छा आपको जब रिजल्ट आएगा तो शिवसेना इनसे बहुत अच्छा करके दिखाएगी। अभी एक ही तो पार्टी है BJP है, कांग्रेस में भी कितनी फुट टूट चल रही है, सैनी साहब की भी नई पार्टी है, आप भी नहीं है, JJP भी नहीं है, INLD में भी टूट फूट चल रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है तो हम फर्स्ट नंबर पे रहेंगे या सेकंड पे तो जरूर हमारा कैंडिडेट आए। किन किन सीटों पे उम्मीदवार उतारने के?
देखो सीटें ना सात फाइनल करी, करनाल, अम्बाला, हमारी गुरुग्राम की फाइनल करी है, और बाकी वैसे सात पे लड़ेंगे, चार पे भी नाम घोषित हुए नहीं है, वो फाइनल करेंगे, क्योंकि अभी तक सक्रिय नहीं थे कार्यकर्ता, 16-16 साल पुराने हैं, पर क्या है कि जब तक आप किसी चीज़ में नहीं जाओगे वो सक्रियता नहीं आती। अब जैसे कार्यकर्ता है, आप देखोगे आज हमने सम्मेलन ये जो अपना किया है कार्यकर्ता का, पहला ये चुनावी का, इससे पहले तो हमारा नेतृत्व ने कहा था कि भाई लड़ेंगे, अब फाइनल हो गया है, तो आप मौजूदगी देखना हमारी शिव सैनिकों की हर जगह, यहाँ तक भी है कि हमारे शिव सैनिक हर जगह हैं, मतलब शुरू से ऐसा हमारा संगठन है, एक नेतृत्व नहीं आया था, अब नेतृत्व मिल गया, हमारे बड़े हैं विक्रम यादव जी आए हैं और हमारी इकाई का जो गठन हुआ है वो संभाल रहे हैं, आप देखना कितने जोर शोर से जोश से हम चुनाव लड़ेंगे इस बार। थैंक यू।